क्या हो गया दानियाल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सर वो मुख्तियार साहब के साथ जो लड़की है, क्या आप उन्हें जानते हैं सर? क्या वो आपकी कजन है? फरीशा की बात कर रहे हो तुम? जी सर, फरीशा। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना, जाके वो मामू को बता देगी सर, मुझे रिजाइन देना होगा एज सून एज पॉसिबल। सर क्या हो गया तुम्हें यार, इस कदर सहमे और डरे हुए हो? तो खुलकर बात करो, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो? मुझे इस तरह पहेलियों में समझ नहीं आएगी। सर मैंने आपको अपने मामू के बारे में बताया था ना सर? हाँ, वो सौतेली बेटी है मेरे मामू की। क्या मतलब है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम महमूद के भांजे? तुमने तो मुझे कोई और कहानी सुनाई थी। जी सर, मेरी यही बदकिस्मती है कि मैं महमूद का भांजा हूं सर। परीक्षा सौतेली होने के बावजूद भी वो उनकी सबसे ज्यादा लाडली बेटी, इस कदर तक कि उसे साथ खून भी माफ है, मैं तो उनका सगा भांजा, फिर भी मेरा यही हाल है सर। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, फरीशा ने इस्लामाबाद में एक लड़के को इतना मारा, वो बहुत मुश्किलों से बचा, उसकी जान बच गई। फरीशा एक रात पुलिस स्टेशन में रही थी सर। पुलिस स्टेशन? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, जो कह रहा हूँ मैं सर सच कह रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं कोई सबूत लाकर आपको दिखा दूंगा सर। ध्यान ना ध्यान, तुम ये सब कुछ जो मुझे बता रहे हो, इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। तुम मुझे खुलकर बताओ। सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मामू ना जाने कौन से दो नंबर काम करते हैं, वो पुलिस से जान बचा के तभी तो हम कराची आए सर। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कहीं भी नौकरी पे लगा दें, अगर मुझे वरीशा ने यहाँ देख लिया वो जाके मामू को बता देंगे और मामू मेरी जान दे। क्या हो गया दानियाल, रिलैक्स, मेरी तरफ देखो, मेरे होते हुए तुम्हारा यहाँ कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, यह वादा है मेरा तुमसे। तुम बैठो, बैठ। जल्दी से एक ग्लास पानी लेकर आइए। ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकती है वो? अब तुम्हें पता है वो तो अपने हवासों में नहीं है, कितनी हाई डोज मेडिकेशन पे है वो तुम्हें पता है? वरीशा ने अगर आज ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो इसका मतलब है महमूद ने ज्वाइन कर लिया। अब वो सब वो काम उससे करवाएगा जो वो खुद नहीं कर पाया। तुमने अपने बाबा का साथ नहीं छोड़ना, यही वक्त है कि तुम्हें अपने बाबा का साथ देना है बेटा, वरना तुम यकीन जानो महमूद सब कुछ छीन लेगा तुम्हारे बाबा से। ये क्या किया तुमने, वास छोड़ दिया? ये मैंने किया है, ये तुमसे गिरा है और मुझे बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें कितना मना किया था कि ये खेलने की जगह नहीं है,
लेकिन तुम्हें तो समझ आती ही नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? मामा ये देखें, दानियाल ने मुझे कितनी जोर से धक्का दिया है, मुझे इतनी जोर की लगी है। चोट लगी है? हाँ। ये क्या बदतमीजी है दानियाल, ऐसे खेलते गुलदान तोड़ दिया। मामू ये मैंने नहीं तोड़ा, ये वरिषा ने खेलते खेलते तोड़ दिया। नहीं ये झूठ कह रहा है, ये इससे टूटा है और मुझे कह रहा है। मैंने तो इसको कितना मना किया था कि इधर मत खेलो, खेलने की जगह नहीं है, लेकिन इसको तो समझ आया नहीं। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, ये वक्त है कि तुम्हें अपने बाबा का साथ देना है। तुम्हें वरिषा पर नजर रखनी है, ऑफिस के सारे मामलात पर नजर रखनी होगी बेटा। देखो बेटा एक बात याद रखना कि ये जो मकाम है ना, कि तुम्हारे बाप दादा ने बहुत मेहनत से हासिल की है, इसे इस तरह किसी की झोली में नहीं डाल सकते। परीक्षा सौतेली होने के बावजूद भी वो उनकी सबसे ज्यादा लाडली बेटी। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, परीक्षा ने इस्लामाबाद में एक लड़के को इतना मारा वो बहुत मुश्किलों से बचा, उसकी जान बच गई। परीक्षा एक रात पुलिस स्टेशन में रही थी सर, मामू न जाने कौन से दो नंबर काम करते हैं, वो पुलिस से जान बचा के तभी तो हम कराची आए सर। जानती हूँ वरिषा पर उनका अंधा भरोसा है, तुम इस खानदान के लिए वो मजबूत जंजीर बन जाओ जो हमेशा इस खानदान को बांधे रखे, कभी बिखरने ना दे। तुमने अपनी जहानत से सामने वाले को मात देनी है बेटा, तुम समझ रहे हो ना? तुम ये ऑफिस कभी नहीं छोड़ोगे, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो आज